आदर प्रणाम, मैं आपका नवीन और एक बार स्वागत करता हूँ गांव बसर के इस कार्यक्रम में। गांव बसर आपसे काफ़ी दिनों तक दूर रहा, लगभग 2 महीने के अंतराल पर यह एपिसोड मैं कर पा रहा हूँ। इसका मुख्य कारण यहाँ की सर्दी है। सर्दियों का आलम कुछ यूं है कि बार बार हाथ जो है कान को छूते हैं, पता करते हैं कि कान बचे हैं कि नहीं। आपने सुख के आंसू सुने होंगे, दुख के आंसू सुने होंगे। इन दोनों आंसुओं का ताल्लुक भावनाओं से है। जब भावनाएं बहती हैं तो आंसू बहते हैं। यहाँ पे मैं एक तीसरे किस्म के आंसू से मिला। ये आंसू तब बहते हैं जब पारा शून्य के नीचे लुढ़कता है, बयार बर्फ बनकर बहती है, तब ये अनायास ही बहते हैं। जब ज्यादा हो जाए तो आंख से तो छोड़िए, नाक से भी आंसू बहते हैं। तो ऐसी सर्दी में आदमी दुबक के कछुआ बन जाता है, अंदर बैठा रहता है, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती है। आज मैं यह कर पा रहा हूँ तो इसका कारण है थोड़ा सा तापमान बढ़ा है। इसी बीच भारत से मुझे गुरु माता ने प्रेम स्वरूप, गर्मी स्वरूप हाथों से स्वेटर बुनकर भेजा है। तो उस भावना को प्रणाम करते हुए 2 लाइनें अपने आप बह पड़ी। तो लाइनों का मंजर कुछ यूं है। नब्ज मिल पाती नहीं, मेरी नब्ज मिल पाती नहीं, जो ये छुअन वक्त पे आती नहीं। आज की पहेली का ताल्लुक सर्दी से ही है। जाड़ा जब जकड़े रहता है, कंबल जब पकड़े रहता है, तब द्वार बैठके में, आपको बताना है कि वो कौन है, तब द्वार बैठके में वो गर्मी फैलाता है, कोई नेक दिल अपनी नरमी फैलाता है, कोई नेक दिल अपनी नरमी फैलाता है। पड़े कम हो या ना हो, बस बांह फैला लो, उष्मा के कपड़ों की परते सहला लो, इसके फेरे पर बेबाक स्वरों का बसेरा है, यह घेरा नहीं जन संसद का फेरा है, यह घेरा नहीं जन संसद का फेरा है। अब सीधे सीधे आपको हिंट है, पड़ोसी की लापता लकड़ियों का मैं सुराग हूँ, पड़ोसी की लापता लकड़ियों का मैं सुराग हूँ, कोई पहचान न पाए अपनी, अंत में सब राख हूँ, कोई पहचान न पाए अपनी, अंत में सब राख हूँ। आशा है आपने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। और इसका उत्तर चूंकि हमें आपको साझा करना है, तो इसका उत्तर है देर आए दुरुस्त आए। आज का यह गांव बसर का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपको यह कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अलाव कौड़ इससे संबंधित कोई भी आपकी यादें हों तो भी साझा करें, सबको मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।